मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, जो मेरी पिछली जिंदगी से कुछ खास अलग नहीं है, क्योंकि आज भी मैं एक ही लड़की से प्यार करता हूं। किसी ने मुझसे कहा था कि वैम्पायर की जिंदगी एक लंबे सफर की तरह होती है, और एक लंबा सफर बिना मंजिल के पूरा नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि मेरी मंजिल क्या है, मैं बस इतना जानता हूं कि मेरा जो सफर है वो शिल्पा है। मैं जो भी करता हूं, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमेशा पीछे सुराग छोड़ता है। सुराग की तलाश करना, दस्तावेज या निशान, मुझे लगता है यहां पर कोई सुराग मिल सकता है। वैम्पायर्स के खून से हमें काफी सुराग मिल गए, लेकिन मैक ही हमारा आखिरी सुराग था। कभी कभी कुछ सुराग बहुत खास होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मैं उसे कभी नहीं भूला। सॉरी, मुझे याद नहीं। डेविड भी सुराग का ही हिस्सा था, लेकिन शिल्पा उसके बारे में भूल गई थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे उसका खून पी लेना चाहिए था। मैक मर गया, लेकिन मैंने उसका खून नहीं पिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं। लेकिन फिर मैं यहां वापस आया ताकि आगे बढ़ने के लिए कोई सुराग मिल सके।
है, उसकी बेटी भी है क्या? कौन हो तुम? अमन रुको, वो इंसान है। सूजन, इसे ट्राई करो, कुछ याद आ रहा है? जानी पहचानी लग रही है। इसका सैंपल रख लो। बस मैं अभी थोड़ी देर में आया। सूजन, बाहर आओ जल्दी। यस यस ओके ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, आज से तुम हमारे साथ रहना। आलिया, आई एम सॉरी। पानी के कांटेक्ट में आके काला हो जाता है। इसका नाम है V2P, एक वैम्पायर ड्रग। अगर पुलिस को मिला भी तो उन्हें लगेगा ब्रोंको डायलेटर्स है। हाँ, लगता तो है। ये तो साफ है कि मिस्टर शर्मा को V2P की लत है, और ब्लड स्टेटस रूम से जो फाइल्स चोरी हुई हैं, लगता है देश की ज्यादातर खास लोग वैम्पायर के नेटवर्क में हैं, ना कि धनराज के। मुझे पता नहीं ये किस लिए है, पर ये सब ठीक नहीं हो रहा है। लगता है वक्त आ गया है, हम सारा कलेक्टेड डेटा चीफ को हैंडओवर कर देते हैं। जितना सोचा था उससे भी बड़ा निकला। क्या आप ठीक है सर? अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं? जिस वैम्पायर ने मेरी मॉम को मारा उसे अरेस्ट नहीं किया तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। अजीब है ना, हम क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं पर मॉम के कातिल को नहीं पकड़ पा रहे। जब भी वक्त आया वो बच निकला, लेकिन इस बार भी मैं महसूस कर सकता हूं वो मेरे आसपास ही है।
मैं खाली हाथ आई हूं। अपनी माँ के जैसे बिल्कुल नहीं दिखते तुम। मेरी माँ को कभी देखा भी है? उससे भी ज्यादा। कितना डर गई थी वो। क्या तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है? सुसन, सुसन। फिर निकल गई। सुसन, तुम ठीक तो? सर, जैसा तुमने बताया, मुझे लगता है कि धनराज सच में कुछ कर रहा है, इसलिए मैं ये सब अपने बॉस को देना चाहता हूं, जिसने आज मुझ पर अटैक किया था। उसने मेरी मॉम को मारा, अब इस बार वो नहीं बचेगी। वो लड़की एक वैम्पायर थी, उसने हमें जाने दिया। मैं श्योर नहीं हूं, उसके जागने का इंतजार करना होगा। क्या मेरे पापा ने किसी को चोट पहुंचाई? मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पापा की फोटो देखी। तुम पहले वैम्पायर थी ना? हाँ, उन्होंने मेरे असली माँ बाप को मारने से मुझे बचाया। तब मैं एक वैम्पायर थी। खैर, अब तो मैं एक इंसान हूं। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक डॉक्टर ने मेरी मदद की। डॉक्टर? वो एक मिस्टीरियस डॉक्टर है। कौन है वो? वैम्पायर के लिए वो एक अच्छी डॉक्टर है, लेकिन वैम्पायर के कुछ ग्रुप के लिए वो दुश्मन थी, जो उसे मारना चाहते थे, इसलिए पापा उसे बचाना चाहते थे। और उनका नाम क्या है? तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? अगर नहीं कर सकती तो हम तुम्हें बचाते क्यों?
रानी, उसका नाम रानी है। रानी, आपको उसके साथ क्या करना है? हम रानी के बहुत नजदीक हैं। अच्छा है, शिल्पा और अमन को जो मिल गई है वो मैक की बच्ची है। मैं उन्हें चोरी छुपे सुन रही थी। वो एक वैम्पायर थी, लेकिन एक रहस्यमयी डॉक्टर ने उसे इंसान बना दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो डॉक्टर से मिलने एक बार जाएगी जरूर। मिस्ट्री डॉक्टर? हाँ, वो रहस्यमयी डॉक्टर रानी है। बहुत अच्छे बिपाशा, अब हम फाइनली मिल सकते हैं रानी से। मुझे जानकर अच्छा लगा, तुम इसके लिए इंतजार कर रही थी। मैं कुछ अजीब महसूस कर रही हूं। देखो, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूं जब तक मैं रानी से ना मिलूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रानी वैम्पायर्स को इंसानों में बदलती है, इसीलिए धनराज उसे मारना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं पता क्या होगा। क्या उसे मैं याद भी होंगी? तुम उसे जरूर याद होगी। दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? वो दरअसल, मिस्टर नाथ रुको, ये सभी को देना है। ओके, सभी एक साथ आ जाओ। आज मिस्टर नाथ हमें गिफ्ट देने वाले हैं। अरे तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे ट्रीट दोगे? मुझे पे करने दो, पैसे बाद में देना। ये जोक था, जोक था। अरे तुम तो अमीर हो, तुम्हारे लिए तो छोटी सी बात है। अब ये मजाक नहीं है, इतने सारे डोनट्स। तो फिर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे तो विश्वास। कंजूस मत बनो यार, तुम अमीर हो, समझ गया ना? ऐसा मत करो। हे, ये लो, सबको बांट दो। चलो चलो चलो, जल्दी से। हाँ चलो, चलो चलो चलो। अरे तुम तो बहुत नाजुक हो। और तुम लोग स्नैक्स का मजा लो। कैसी हो शिल्पा? बड़े दुख की बात है कि मेरे जैसे हैंडसम आदमी को तुम बिल्कुल भी भाव नहीं देती हो। ये कंप्यूटर का कीड़ा तुम्हारी क्या केयर करेगा? तुम इसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा ही घाटा है। क्या हो गया? ओहो, सुंदर हो लेकिन अनाड़ी हो। घूर क्या रहे हो अमन? क्या करोगे तुम एक सुंदर लड़की के सामने खुद को स्मार्ट समझते हो? सही कहा ना? ओह, मैंने सोचा तुम सही थे। तो तुम अपनी मूर्खता वाली बातें जारी रखो दोस्तों। ओके बाय। हे गाइस, मेरे लिए कुछ बचा है क्या? अरे यार, तुम मेरे हिस्से का भी खा गए। अरे ये दो। अगर मैं यह काम नहीं कर रहा होता ना, तो इसे कब का मार डालता। अच्छा, मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाली थी। क्या बताना है? मैं यहां से जा रही हूं। तुम जा रही हो? मुझे सुराग ढूंढने के लिए इस जॉब का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कब जा रही हो? कल। कल? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जा रही? मैंने तुम्हारे लिए भी रिजाइन दे दिया है। क्या मेरे लिए?
क्या हुआ? तुम्हें खाना खरीदने के लिए अब पैसों की जरूरत नहीं है, अब तो तुम खून पीते हो ना। नहीं, हमें इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। क्यों? क्या तुम्हें इन लोगों के साथ काम करना पसंद है? खैर, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन इस मैनेजर का क्या करें, ये तो बहुत खड़ूस है। तुम उसे हर रात ऑनलाइन गेम में नहीं मिल सकते हो क्या? ओके, तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। मिस्टर मैनेजर, क्या आप यहां पर आ सकते हैं प्लीज? ओहो, क्या बात है अमन, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? जरा यहां बैठिए। ओहो, इतनी रिस्पेक्ट, आई लाइक इट। टेल मी, मुझे आपको एक जादू दिखाना है। कैसा? मेरे हाथ को ध्यान से देखना। अच्छा, अरे थोड़ा मुझे भी दो। ओ चलो पैकअप करते हैं, आज का काम तो हो गया। बाय बाय। हो गया तेरा, चले क्या? चलता हूं, एक मिनट रुको, वो लाइट बंद कर दे। हाँ चलो, हाँ निकलते हैं, ना जा। हे, हाँ तुम हमेशा की तरह अभी मेरे साथ गेम खेल सकते हो, मुझसे बात करना। हाँ जरूर यार, थैंक्स। हाँ गुड लक, फिर मिलेंगे। तुम अब यहाँ काम नहीं करती हो, फिर भी हम सब टीम हैं। मैं बहुत जगहों पर काम कर चुकी हूँ, ये जगह सबसे खास है। बाय बाय दोस्तों। ओ, ये यहां क्यों सो रहा है? हे ठीक रहेगा, जरा इसे शेयर किया जाए। ज़ूम 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 ज़ूम। मिलते हैं अब। एक इंसान की पहुंच से तुम बहुत दूर हो, और मैं ऐसा बहुत कम देखता हूं। यह तुम्हारी जिंदगी बढ़ा सकती है। पंकज से बात करने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो,
मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हाँ डॉक्टर, मेरे पापा यहाँ नहीं हैं। अब से आपको सावधान रहना होगा डॉक्टर, यहाँ कुछ लोग हैं। हाँ, वो वैम्पायर हैं, लेकिन दो पुलिस वाले और इंसान भी हैं। हाँ, तो आप उनसे मिल सकती हो? छुपी हुई फाइलों से हमें बहुत सारा डेटा मिल गया है। अगर इसे चीफ देखेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे। शिल्पा, मिस्ट्री डॉक्टर तुमसे मिलने के लिए मान गई हैं। यहां अमन, तुम यही हो? मैं अब वापस जा रही हूं। तुम सो जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। वैसे मैं अकेली रह सकती हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? खाने के लिए कुछ ढूंढने। मैं भी साथ चलती हूँ, कबीर सर को भी साथ ले चलते हैं। दोपहर, शिट, वो जैकेट नहीं लाई। Your order, ma'am. Thank you. ये लो। मैं जरा आसपास घूम कर आऊं। अच्छा, ज्यादा दूर मत जाना। हाँ। कबीर और सुजैन हम पर नजर रख रहे हैं। कबीर, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हमें आलिया को ढूंढना होगा। मुझसे अपनी लोकेशन शेयर करो। तुम हो, तुम लकी हो। ये नहीं बचेगी।
बच्ची को जाने दो, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ने वाली। आंखें खुली रखो। ज़्यादा अजीब किराएदार कभी नहीं देखा। लेकिन क्यों? मैं जवानी से बुढ़ापे तक बिल्डिंग में रहा हूँ, पर तुम कभी बूढ़ी नहीं हुई। इसे वैम्पायर बना दे, ये नहीं बचेगी। आलिया वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी। पास वही खंजर है जिससे तेरी माँ को मारा था मैंने। तू भी अपनी माँ के पास जा। ये गोली मैंने सीधा तुम्हारे दिल में मारी। सुज़न, तुम ठीक हो? ठीक हो? दिन आ चुका है
जब शिल्पा इस दुनिया से अपना सुराग मिटा देगी। मेरे रूम का सामान आप रख सकते हैं। तुम सच में खाली करके जा रही हो? पर ऐसी क्या बात हो गई? आप देख सकते हैं अंकल। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा अजीब किराएदार कभी नहीं देखा। क्यों? मैं जवानी से बुढ़ापे तक बिल्डिंग में रहा हूँ, पर तुम कभी बूढ़ी नहीं हुई। शिल्पा वाली घटना के बाद उसे पता चला वो उसके रूम में छुपकर बातें सुन रही थी। चलती हूँ। वो रूम बिपाशा का ही होगा। हमारे सुराग मिटाने के लिए हम कुछ भी करते हैं, जबकि कैप्टन कबीर ने अपनी मां की मौत का बदला लेकर सारे सबूत मिटा दिए उनके कातिल को मारकर। जैसा कि मैंने कहा, एक खास सुराग हमें कहीं से भी मिल सकता है। तुम डर क्यों रही हो? मारो, मारो!
माफ करना, पार्टी में इस बार तो वो बच गई लेकिन आगे नहीं बचेगी। दोबारा ऐसा मत करना। आगे ऐसा नहीं होगा। चलो निकलो। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ। मैं अपने इतने पुराने प्रोजेक्ट के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं भी दोबारा फेल नहीं होंगी। गुड। कभी कभी ये बदले का रूप ले लेता है। तो कभी कभी ये हमारे आगे का रास्ता तय करता है। मेरी थी खुशी, मेरा था जहां।